हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच मैंगो रायता की एक सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। एंड तक ज़रूर देखें। ये सभी आम छील लिए हैं। अब इसमें से हम कुछ आम को चंक्स में काटेंगे और कुछ का हम पेस्ट बनाएंगे। ये सारे मैंगो हम काट चुके हैं, इसमें से हम आधे का पेस्ट बना देंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। इसके लिए अब हमें थोड़ा सा गाढ़ा दही इसमें और मैंगो का पेस्ट, उसमें हमें एक स्पून शुगर, शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितना भी रायता हमें बनाना है तो उसके लिए आधा कर्ड लेंगे हमें टाइट, एकदम निथरा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरा ये दही गाढ़ा ही था तो मैंने इसे ले लिया है। बाकी आप इसे हम करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर में व्हिस्क कर देंगे। देखिए अच्छे से व्हिस्क हो गया है। अब हम जिसमें हमें सर्व करना है उस बर्तन में निकाल कर इसको फ्रिज में कुछ घंटों के लिए चिल्ड होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमारा मैंगो पल्प चिल्ड हो गया है। अब इसमें हम मैंगो चंक्स मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ कूटे हुए बादाम लिए हैं। अब इन्हें हम सर्व करेंगे। मैंने इसे सिंपली मैंगो चंक्स, बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश किया है। आप चाहें तो इसमें चेरी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिंपल तरीके से ही इसको डेकोरेट किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? बनाएं और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, बाय।